वेलकम टू चैनल तो आज टाइम रीडिंग का टॉपिक है वॉट थिंक अबाउट यू क्या वो मिस करते हैं क्या वो केयर करते हैं आपके बारे में या नहीं करते हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी आप उसे आज तक छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेलाइकिन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए आप कंटेंट को इन्जॉय कर पाए अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आ रहा है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स ओके अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ की एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ हॉन्स आपके सपने देखते हैं वो आपके मतलब उनके सपने में आप आते हो और फ्रीक्वेंटली आते हो ठीक है तो इस चीज से जो है कभी कभी वो परेशान भी होते होंगे या ये कह सकते हैं कि ये क्या था या वो जो चीजें मेमोरीज में चल रही हैं या सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब हो रखी हैं वो चीजें जो है दिमाग में आती है कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है एट ऑफ कॉइंस वर्गो आया है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है और लास्ट में आ रहा है किंग ऑफ कॉर्न तो यहाँ पे जो है जो भी आपका सेपरेशन रहा हो बेशक आपने या इस पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश करी हो लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स को रखते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके एक्स जो है वो आपकी केयर करते हैं तो हाँ करते हैं जो भी जेंडर हो ठीक है अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि फिर अगर केयर ही करते थे तो ये सब करने की क्या जरूरत थी तो यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि क्या है ऐसी सिचुएशन क्योंकि किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स आया आप दोनों का अगर लव की बात करी जाए या पास्ट लाइफ से रिलेशन है आप लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे खिंचाव है आप दोनों की जो एनर्जी है वो एक दूसरे से अप uh, है या कॉन्ट्रैक्ट में कह सकते हैं कि आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और हर समय सोचते हैं इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी यहाँ पे आया है देख लेते हैं कि और क्या है अभी बताती हूँ स्ट्रेंथ हायर ऑफ जस्टिस एस ऑफ सॉर्ट्स एट ऑफ शॉर्ट्स तो यहाँ पे देख लेते हैं ब्रेकअप क्यों हुआ था ओके okay. तो यहाँ पे जो है एक पर्सन है चाहे वो हो चाहे आप हो दोनों में से एक पर्सन ने जो है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे और एक पर्सन जो है वो डर के मारे पीछे भागा एक रनर चेजर डायनामिक है यहाँ पे किंग ऑफ शॉर्ट आया कि, कि कट ऑफ करना या ऐसे कोल्ड बिहेवियर करना मुझे कोई परवाह नहीं है अपने आप को बहुत ज्यादा मैस्कुलिन या वो दिखाना आ, बहुत ज्यादा मजबूत कि मैं तो टफ गाय हूँ या टफ गर्ल हूँ ठीक है मुझे कोई अटैचमेंट नहीं होता या मुझे पे कोई असर नहीं होता लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे असर हुआ है और लाइफ भर का असर हुआ है ये चीज़ जो है वो दोनों के लिए आप दोनों के लिए जो ब्रेकअप रहा होगा वो काफ़ी पेनफुल रहा होगा और हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है यहाँ पे और आप दोनों ही जो है ऐसे हो कि मुझे नहीं दिखाना इस पर्सन को कि मैं कितना मतलब फ़ील करता हूँ क्योंकि अगर मैंने फील करना हुआ दिखा दिया तो शायद ये पर्सन जो है वो मेरे सिर पे ही बैठ जाए तो कुछ इसी भी सिचुएशन यहाँ पे है यहाँ पे यही है कि एक पर्सन जो है वो शादी करना चाहते थे और एक पर्सन जो है वो सबको लेकर चलना चाहते हैं सोसाइटी को माँ बाप को सबकी नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं बट ऐसा हो नहीं पाता शादी जो है वो क्या कहूँ मैं शादी जो है वो अपनी खुशी के लिए करनी चाहिए बट सोसाइटी में जो होता है वो आपको पता है ठीक है तो वो चीज यहाँ पे है और ये पर्सन जो है जहाँ पे भी है इस समय से कर्मा तो मिल ही रहा है इस पर्सन को आपके दिल दुखाने का लेकिन यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन खुश नहीं है लगातार सोचते हैं आगे क्या है फाइव ऑफ वांड जहाँ पे भी रह रहे हैं चाहे सिंगल हैं चाहे किसी और के साथ है थ्री ऑफ पॉइंट्स भी आया है ये पर्सन जो है कॉन्फ्लिक्ट में है ये आपसे रिकनसाइल करने की इच्छा रखता है सेवन ऑफ वांट्स है काफ़ी बर्डन है फोर ऑफ़ कप्स है लाइफ से बोर हो चुके हैं और इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे कि ये पर्सन को जो है एनजाइटी लेवल आते हैं लास्ट में आ रहा है नाइन ऑफ शॉट्स है और एस ऑफ कप्स है ये जो लव नहीं मिला है इसकी वजह से एनजाइटी रहती है डिप्रेशन है कुछ हद तक इन है अनिद्रा के शिकार है नींद नहीं आती है प्रॉपरली अपने मतलब मन में सेटिस्फैक्शन होता है जब व्यक्ति रिलीफ महसूस करता है ना उसे स्ट्रेस नहीं होता कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ेंगे नहीं बाकी सब चीज़ें जो है जो ह्यूमन बॉडी में होती है तो उससे जो है व्यक्ति शांत रहता है लेकिन यहाँ पे शांति नहीं है मन में शांति नहीं है अगर कोई इस पर्सन की जिंदगी में आ भी गए हैं अगर आपको पता है तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता तो भी ये पर्सन शांत नहीं है खुश नहीं है अंदर से दुनिया को दिखाने के लिए है लेकिन अपने आप में एक संतुष्टि होती है कि हाँ मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हूँ और सब कुछ जो है वो मेरे अकॉर्डिंग है या जो भी आ, हर इंसान की इच्छाएं होती है तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है तो कहीं कही ना कहीं पेन है रिग्रेट है एक पछतावा है कि शायद ये हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता और अपनी लाइफ से बोर हो रखे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है ठीक है तो अगर क्वेश्चन ये था कि क्या वो आपकी केयर करते हैं तो हाँ उसका आंसर है हाँ वो केयर करते हैं आपके बारे में लगातार है। सोचते हैं आपको वो भूले नहीं है और ना ही आपसे वो प्रॉपरली मूव ऑन कर चुके हैं हाँ बेशक वो दुनिया को दिखाने के लिए या एक्शंस नहीं है यहाँ पे कि वो एक्शन ले रहे हैं या आपके साथ घूम रहे हैं या आपको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपको भूले नहीं है तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड देख लेते हैं ये आया है ये पर्सन आपको किस करने की इच्छा रखते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन है पे लेट देर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस लव नेवर क्लेम्स इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स एंड नेक्स्ट आ रहा है एसी एक्चुअल यूनियन ऑनर द प्लेस इन वन एंड अदर वेयर यू एन वन इटर्नल सोल फॉर देयर यू विल फाइंड तो यहाँ पे ये चीज है फिज़िकल चीज़ों के ड्रीम्स आते हैं इस पर्सन को क्योंकि वो जहाँ पे भी है वो सेटिस्फाइड नहीं है खुश नहीं है ठीक है तो अब ये चीज़ सोसाइटी में बोलना या करना बड़ा मुश्किल है ठीक है आप सभी समझदार हो कि एकदम से बोलना कि मैं इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ या आपने शादी तो करवा दी मेरी और लोग कहेंगे कि भी शादी भी कर ली सब कुछ कर लिया तुझे पता नहीं चला हर कोई पीछे हट जाता है माँ बाप तक पीछे हट जाते हैं आपको ही झेलना पड़ता है तो अगर आप खुश नहीं हो अपने रिश्ते में तो उससे निकलने के लिए या तो कोई एक्शन लो जो वो मुझे यहाँ लग नहीं रहा है फिलहाल ठीक है तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है तो एक काफ़ी एनजाइटी है और ये फिजिकल चीज़ें जो है वो आपके बारे में ही सोचते हैं ये पर्सन अपनी जो ओवरऑल लाइफ है या फिजिकल लाइफ है या लव की अगर डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो काफ़ी जैसे होता है ना कि प्यासा व्यक्ति है उसे पानी चाहिए अपनी प्यास बुझाने को ठीक है एक उसमें मैं मेटाफोफिक सेंस में बोल रही हूँ मैं ठीक है तो वो चीज़ है और वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पा रही है खुशी नहीं है इस पर्सन को एज ए एक्ट हो रहा है अगर कोई थर्ड पर्सन है भी तो एज ए एक्ट हो जा रहा है लेकिन उसमें खुशी बिल्कुल भी नहीं है और ख़ुशी जो है वो आपके पास ढूंढते हैं और आप इनसे दूर हो तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है ठीक है चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए यहाँ पे सक्सेस और कीप गुड इंटेंशन आया प्रेगनेंसी के ऊपर जो है सिंड्रेला का गाउन आया ये पर्सन जो है वो आपके साथ बेबीज क्रिएट करना चाहते हैं खासकर एक बेबी गर्ल यहाँ पे कर्मा जो है इस पर्सन का मिल रहा है बेशक दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ है या दिख रहा है लेकिन ये पर्सन अपने जिंदगी में खुश नहीं है खासकर लव डिपार्टमेंट में या फिजिकल आ, में सेटिस्फैक्शन नहीं है और फिजिकली अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फैक्शन में नहीं होता है तो वो इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करता है तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है और इस पर्सन को पता है कि वो कभी किसी और से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे और स्पिरिचुअल अवेकनिंग है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी एक तरीके से रहा कि इस पर्सन ने सोचा कि सोसाइटी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या लोगों को खुश रखूंगा तो ज़्यादा खुश हो जाऊँगा या जो फेमिलियर चीज़ें होती है कि भाई एक ही कास्ट है एक ही गाँव वाले हैं सब यही चाह रहे हैं कि शादी हो जाए ये हो जाए तो मैं तो खुश रहूँगा तो अब समझ आ रहा है कि नहीं मेरी खुशी कहीं और थी और मैंने इस रिलेशनशिप को सैपोटाच किया खत्म किया खुद ब खुद किया और मैंने अपनी खुशी को खुद ही हटाया तो वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और इस चीज का जो है एक मेच्योरिटी भी आई है और समझ आई कुछ लोग होते हैं समझदारी पहले आ जाती है गलतियां नहीं करते हैं कुछ लोग होते हैं गलतियां करके सीखते हैं तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए दो दिल मिल रहे हैं परदेश मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है दुनिया ध्वनि भानुशाली का एक और देख लेते हैं रुतबा सतेंद्र सरताज का तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं तो ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू